दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बाबा का बुलडोजर शायद उसी जगह कहें कि गरजता है जहां कमजोर व्यक्ति होते हैं, जहां साठ गांठ नहीं होती है, जहां ऐसे लोग होते हैं जिनको बैकअप में कोई संरक्षण नहीं देता है। ललितपुर शहर के बीचों बीच घंटा घर के समीप ही एक अवैध निर्माण चल रहा है, जिसकी शिकायत लगातार की भी जा रही थी शिकायतकर्ता द्वारा, लेकिन ना तो प्रशासन सामने आया, ना ही खुफिया तंत्र सामने आया। बात कर रहे हैं हम ललितपुर घंटाघर के पास में जो LIU ऑफिस है, स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है, पुरानी कोतवाली की जो जगह डली है उसी के सामने ममता स्पोर्ट वालों का एक दुकान है, उन्हीं के ऊपर निर्माण चल रहा है जिसको लेके शिकायत की गई थी, और कुछ ही मीडिया वालों ने आवाज़ भी उठाई, बाकी मीडिया वाले आवाज़ नहीं उठाए। आप समझ सकते हैं कितने पावरफुल लोग हैं, जहां मीडिया भी नतमस्तक हो जाती है। लगातार शिकायत होने के बाद भी किसी भी प्रकार की आवाज़ ज़्यादा कुछ लोगों ने नहीं उठाई है। सवाल तो एक खड़े होते हैं कि खुफिया विभाग के दो दो ऑफिस वहां पर हैं, जहां LIU ऑफिस स्पेशल ब्रांच, जो खबरें चल रही हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, उसके बाद भी इन लोगों ने भी संज्ञान नहीं लिया है या फिर संबंधित विभागों को अवगत नहीं कराया है। लेकिन हमें पता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को जानकारी थी, उन्हें अवगत कराया गया, उन्हें शिकायती पत्र भी दिया गया, उसके बावजूद भी निर्माण लगातार चलता रहा और कुछ दिनों में ही 3 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब ऐसी बात है कि बिना परमिशन की यह बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई, बिना नक्शा के कैसे तैयार हो गई, संबंधित विभाग कहाँ था। इसके साथ साथ जिस प्रकार से बुलडोजर का दिखावा किया गया, कुछ दिन पहले कार्रवाइयाँ की गई और इस चर्चा फैलाई गई, हवा फैलाई गई कि प्रशासन काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, लेकिन जब कोई पावरफुल व्यक्ति आता है, कोई संगठित व्यक्ति आते हैं तो वहाँ पर बुलडोजर का या तो डीजल ख़त्म हो जाता है या सूंड उठती नहीं है। घंटाघर के समीप जो निर्माण हुआ है, कहेंगे LIU ऑफिस के समीप या सामने जो निर्माण हुआ है, उसको अब कब बुलडोजर से जमींदोज करता है प्रशासन, देखने वाली बात होगी। शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, SDM ने भी नोटिस जारी कर दिया है। ये संबंधित विभाग जिसको शहर में निर्माण कार्यों को देखता है, उसने अभी तक नोटिस दिया है, मौके पर जाके क्या किया है इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सक्षम जहां होते हैं वहां बुलडोजर का डीजल पेट्रोल, और कहे कि डीजल ही उसमें डल नहीं पाता है, ना ही वो बुलडोजर उसके सामने पहुंच पाता है। SDM सदर की एक अहम भूमिका होती है ऐसे में, लेकिन SDM सदर भी शायद ऐसे लोगों पर कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रहे। नोटिस की बात की है, देखते हैं नोटिस का क्या जवाब आता है। क्या कुछ दिन पहले जिस प्रकार से अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है, छिन्न भिन्न किया गया है, चूँकि वो लेआउट पास नहीं कराए थे, 143 नहीं कराए थे और भी तमाम परमिशन नहीं लिए थे, और लगातार SDM इस चीज़ को लेके बोल भी रहे हैं कि बिना परमिशन, बिना नक्शा के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे में इस प्रकार की बिल्डिंग कैसे बन के तैयार हो गई, और मीडिया जिस प्रकार से जातिवादी एंगल ढूंढने लगी है, यह भी शर्म की बात है, खासतौर से पत्रकारों के लिए, कि पत्रकार इस चीज़ को पहले डिसाइड करते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो कौन सी जाति के हैं, फिर जिस जाति के हैं उस जाति के पत्रकार खामोश हो जाएंगे और दूसरे लोग आवाज़ उठाएंगे, वो भी छुटपुटिया तरीके से, लेकिन आवाज़ उठती है, दबती नहीं है। देखते हैं अब इन लोगों पर कार्रवाई कैसे करते हैं। DM साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूँकि जब बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई होती है तब महसूस होता है कि हाँ ठीक है, अधिकारी काम कर रहे हैं। गरीबों को तो कोई मसल देता है, जिनको कोई बैकअप नहीं होता है, जिनको कोई संरक्षण नहीं होता है, ऐसे लोगों को संरक्षण है, उन्हें पर्दे के पीछे के माफिया कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। नमस्कार।